क्रिश्चियन एडवोकेट हैं या क्रिश्चियन इंटेलिजेंसिया हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन लोगों से जब बात हुई, इसमें एडवोकेट पी आई जोश, तो उन्होंने कहा मुझे कि क्रिश्चियनिटी के सोचने के तरीके में इधर 3 सालों में ज़बरदस्त चेंज आया है। वो चेंज इसलिए आया है कि क्रिश्चियनिटी को स्वर देने के लिए पहले लेफ्ट फ्रंट मौजूद था, तो क्रिश्चियनिटी के ऊपर कोई भी बात आती थी उनके रिलीजियस मैटर पे या सेल्फ रिस्पेक्ट के मैटर पे, तो लेफ्ट फ्रंट उनकी आवाज़ को उठा देता था, और लेफ्ट फ्रंट का एक मजबूत अस्तित्व तो था, तो इसलिए भी क्रिश्चियनिटी आस्थावान रहती थी जी। पर लेफ्ट फ्रंट के हाशिए पर चले जाने के पश्चात तो क्रिश्चियन लोगों का भी झुकान और रुझान वो बहुजन थिंकिंग की तरफ आया है जी। तो इस समय 2 अप्रैल की घटना के पश्चात युवा बहुजन एक नई महाशक्ति के रूप में भारत में उभर के आया। 2 अप्रैल वाला जो, हाँ, 2 अप्रैल का जो भारत बंद 2 अप्रैल 2018 का, उसने इस बात को रेखांकित कर दिया है कि ये युवा बहुजन ये किसी से दबने वाला नहीं है। ये ऐसे मौके पर एक रिवोल्ट आया है, एक्सप्लोजन आया है, जबकि जो बहुजन लीडरशिप के फ्रंट लीडरशिप है, जो भी चाहे ओबीसी के लोग हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे क्रिश्चियनिटी हों, या शेड्यूल कास्ट के या ट्राइबल्स लोग हों, वो ब्राह्मणिकल फोर्सेज के हाथों में कैप्चर्ड हैं, सिकंजे में कस लिए गए हैं, वो कोई चारा घोटाले में जेल में डाल दिया गया है, किसी को यूरिया घोटाले में फंसे हुए हैं, कोई चीनी मिल घोटाले में डरे हुए लोग हैं, कोई आय से अधिक संपत्ति मामले में है, कोई ताजकारी डोर मामले में है, कोई कंट्रोल्ड है, हाँ, ऐसा पूरी तरीके से ये स्पष्ट हो चुका है कि जो एग्जिस्टिंग बहुजन लीडरशिप है वो ब्राह्मणिकल फोर्सेज के हाथों में कैप्चर्ड है, पकड़ ली गई है, शिकंजा उनके गर्दन में कसा हुआ है। तो किसी के भी हाथ में गर्दन में जब शिकंजा कसा होता है तो पहला रिएक्शन आता है कि उसकी वॉइस क्लोज हो जाती है, आवाज़ बोलती बंद हो जाती है। तो यही कारण है कि बड़े बड़े अटैक हुए, मॉब लिंचिंग का, ऊना कांड का और मिर्चपुर कांड का, और अलवर का कांड हुआ, हापुड़ में मॉब लिंचिंग में मार दिया गया, और SC ST एक्ट पर जो हमारा रक्षा कवच है, अम्ब्रेला है, उसको सुप्रीम अथॉरिटी ने, भारत में जो उस तरीके का हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद है, तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं, मतलब जो हमारी प्रधानमंत्री है उससे भी ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो अम्ब्रेला है ये यूजलेस है, इसको हटा देते हैं, इसका कोई निष्प्रयोज है और इसका कोई आवश्यकता नहीं है, और प्रमोशन में जो रिजर्वेशन था उसको उन्होंने डिलीट कर दिया। तो ऐसे में जो स्थापित नेतृत्व है उसने कोई आवाज नहीं उठाई। हम देख भी रहे हैं लगातार, हाँ, जब इतने केसेस हो जाते हैं, हाँ, तो एक अगर बयान भी आता है कि फॉर्मेलिटी बेस्ड में आता है, हाँ, तो अब वो कोई आवाज नहीं उठाई। वो जो आवाज आ रही है फॉर्मेलिटी, वो ब्राह्मणिकल धोखा देने की चाल है कि लोगों को फील भी हो कि आवाज आ रही है, और एक्चुअल में वो कोई आवाज नहीं, आवाज नहीं, हाँ, वो केवल एहसास कराते हैं कि हाँ आवाज है, और एक्सप्लॉइटर को पता होता है कि ये कोई आवाज रिवोल्ट की आवाज नहीं है, ये हमारी मैनेज आवाज है, तो इसलिए उसका भय भी नहीं मानते हैं। जो एक शोषक के लिए जो अप्रत्याशित आवाज आती है, सडनली आती है, तो उससे वो शोषक घबराता है, उसकी ही मैनेज की हुई, प्रबंध की हुई जब आवाज आती है तो वो मुस्कुराता है कि ये तो हमने ही बोला था इसको कि जाके ऐसा बोल दो। तो ऐसी सूरत में 2 अप्रैल 2018 को युवा बहुजन का जो एक्सप्लोजन हुआ और एक जबरदस्त रिवोल्ट हुआ है देश भर में भारत बंद के रूप में, तो उससे शोषक सिस्टम जो है और भारत सरकार
जो शोषणकारी सरकार है वो भयभीत हुई और वो रिवर्स गियर पे आए, बैकफुट पे आ गए, और बैकफुट पे आकर के डैमेज कंट्रोल करने के लिए उन्होंने तो पुनः पार्लियामेंट से एससी एसटी एक्ट को प्रूव कराया, पास कराया। प्रमोशन में रिजर्वेशन जो पिछले 4 साल से भारी अवरोधों के बावजूद लटका पड़ा था उसको एक झटके में ही गृह मंत्री को आकर के स्पष्टीकरण देना पड़ा और उसने कहा कि नहीं, हम इसके नीति के पक्ष में हैं। वो कानूनी तौर पे पक्ष में है, पर उत्तर प्रदेश में जहां पर कि इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव प्रमोशन में रिजर्वेशन को निष्प्रभावी बना देने के कारण देखने को मिला कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पोस्ट पर लोग प्रमोट हो चुके थे, उनको कान पकड़ करके और रिवर्ट करके एसडीएम बना दिया गया, एसडीएम पे प्रमोट हो चुके थे उनको कान पकड़ के नीचे तहसीलदार पे भेज दिया गया, कप्तान के एडीजी पोस्ट पर लोग प्रमोट हो चुके थे और उनको रिवर्ट कर दिया गया, नीचे धकेल दिया गया। तो वहां पर अभी भी प्रमोशन में रिजर्वेशन के जो पार्लियामेंट ने जिसको पास कर दिया, जिस विधेयक को, उसका क्रियान्वयन नजर नहीं आता कहीं। सरकार की अगर नियत साफ थी, भारत सरकार की और राज्य सरकार की अर्थात भारतीय जनता पार्टी की अथवा ब्राह्मणिकल फोर्सेस की, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर वो काम नहीं कर रही है तो कांग्रेस पार्टी को फिर विपक्ष के नाते उसको इन्फोर्स करना चाहिए, इस मुद्दे को उठाना चाहिए और अपने सत्य निष्ठा और कानून के प्रति आस्था के भाव को प्रकट करना चाहिए। पर कांग्रेस पार्टी भी साइलेंट है। इसका तात्पर्य होता है कांग्रेस पार्टी को चलाने वाले और भारतीय जनता पार्टी को चलाने वाले दोनों के दोनों ब्राह्मणिकल फोर्सेज हैं, दोनों को ब्राह्मणवादी शक्तियां चला रही हैं। नागनाथ और सपना वो एक ही हैं, दोनों नाथ हैं और दोनों सांप हैं, तो दोनों जहरीले हैं। तो इसलिए युवा बहुजन ये एक बड़ी महाशक्ति उभर के आई है। देश भर के अम्बेडकराइट थिंकर मानवर कांशीराम जी के चेलों से मैं कहना चाहूंगा कि ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस युवा बहुजन को परवरिश दे दी जाए। परवरिश की बड़ी आवश्यकता है, मतलब परवरिश सर बड़ा शब्द है। हाँ, तो परवरिश की आवश्यकता है क्योंकि जो युवा बहुजन है उसके पास विद्रोह की शक्ति है पर उसके पास थिंक नहीं है, थॉट नहीं है। थॉट जो हमारा इंटेलेक्चुअल्स है या अम्बेडकराइट लोग हैं या मानवर कांशीराम जी के देश भर में फैले हुए चेले हैं, उन चेलों के पास थॉट है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं उनके जमीर को आवाज देना चाहता हूँ और मुझे भी नजर आता है कि अगर दद्दू प्रसाद ने इस मौके पर कांशीराम का चेला होने के नाते रोल प्ले नहीं किया तो 5 साल बाद मेरा बेटा भी मुझसे जवाब पूछेगा कि जब युवा बहुजन ने एक आवाज उठाई थी, रिवोल्ट किया था, तब तुम क्या कर रहे थे? तब तो तुम केवल कैडर बघा रहे थे, फिलासफी की बातें कर रहे थे। इसलिए मैंने महसूस किया कि मुझे भी इस मौके पर रोल प्ले करना चाहिए और जो नौजवान हैं और जिन्होंने एक विद्रोह किया है, शाबाशी का काम किया है और बहुत ही शानदार और जानदार आवाज उठाई है, तो उनकी परवरिश बिजनौर में मैं कैबिनेट मिनिस्टर की गरिमा उच्चता श्रेष्ठता को छोड़ करके और जिस रूप में मानवर कांशीराम साहब के साथ हमने डाउन टू अर्थ काम किया था, ग्रास रूट पे काम किया था, तो बिजनौर की रैली को कामयाब बनाने के लिए मैं लगातार 15 दिन तक कैंप किया, वहाँ एक एक गांव में गया, कार्यकर्ताओं के साथ रात में सोया, उन्हीं के घरों में रूखा सूखा खाना खाया और उनके साथ भूखे भी रहे और लगातार उनके साथ काम करके और इस बात की अनुभूति दिलाई कि मानवर कांशीराम जी का जो सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है वो पुनर्जीवित होने की पूरी संभावना है। और बहुजन समाज बनाओ रैली 19 नवंबर को बिजनौर में व्यापक कामयाब हुई। तो इसलिए मैं पुनः देश भर में फैले हुए मानवर कांशीराम जी के चेलों को आवाज देना चाहता हूँ
उनके जमीर को झकझोरना चाहता हूं कि अब चुप बैठने का वक्त नहीं है, नौजवानों को परवरिश देने की आवश्यकता है। अगर आपने परवरिश नहीं दिया तो इस मौके पर मुझे साफ नजर आता है कि पिछले 40 सालों में नक्सलाइट मूवमेंट के नाम पर जो हमारे ट्राइबल मिलिटेंट थे, तो 10 लाख की संख्या में लगभग उनको मार दिया गया है, मौत के घाट उतार दिया गया है। ये अम्बेडकराइट नक्सलाइट एक नया लफ्ज चला रहे हैं भारत की ब्राह्मणवादी शक्तियां, और हमारे मुझे भय है और मुझे साफ नजर आता है कि मानवर कांशीराम के चेलों ने अगर सीमा तोड़ करके, गरिमा तोड़ करके अगर इन नौजवानों को परवरिश नहीं दिया तो हमारे ये नौजवान बेमौत मारे जाएंगे अम्बेडकराइट नक्सलाइट के नाम पर। और सबको नहीं मारा जाएगा, पर काफी कुछ को मार दिया जाएगा, बाकी को जेल में डाल दिया जाएगा और उनको आतंकवादी घोषित कर देंगे, उग्रवादी घोषित कर देंगे, और फिर एक बड़ा हताशा का माहौल, निराशा का माहौल देश में जाएगा और हम समय चूक जाएंगे, मौका चूक जाएंगे। इसलिए मेरी जिम्मेदारी है और मैं देश भर में फैले हुए सभी बौद्धिक लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये नौजवानों को आगे आकर के परवरिश दें, उनको संभाल लें और उनको थॉट दें। अगर थॉट दे दिया आपने तो वो कर डालेंगे जिसकी कि कांशीराम जी जी के चेलों की आकांक्षा है, जिनको प्यास है, जी वो अर्थात बहुजन को भारत का हुक्मरान बनाने में ये युवा बहुजन कारगर सिद्ध हो जाएगा। ऐसे मौके पर जबकि हमारे स्थापित नेतृत्व ब्राह्मणवादी ताकतों के कब्जे में जा चुका है, तो हमें नई नेतृत्व की आवश्यकता है और इन्हीं में से एक कामयाब नेतृत्व हम लोग निकाल सकते हैं, ये मैं ऐसा मुझे प्रतीत होता है। सर, ये जो भीम आर्मी और जो संगठन है, जो यूथ की जो एनर्जी है, क्या इस समय इनको ये समझा जाए कि ये बहुजन यूथ रिवॉल्यूशन की शुरुआत है, और इसे ऐसी थिंकर की जो 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 बाबा साहब के, मानव साहब के जो विचारों पर जो रास्ता है उसको हेल्प करने की जरूरत है बौद्धिक रूप से। मतलब आपका आह्वान ये है कि जो मानव साहब ने जो तैयार किया, आप लोगों ने तो उनके साथ साथ बिल्कुल जमीन पर गाँव गाँव जाकर काम किया है, उसी तरह कोशिश करने की जरूरत हाँ, है। नहीं, निश्चित रूप से ये रिवोल्ट का एक्सप्लोजन है युवा बहुजन, और इससे बहुत असीम संभावना है। मैं बहुत आशान्वित हूँ, पर आप कभी परिवार में जाए, किसी के भी परिवार में जाए देखें तो 4 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा, आपको प्रेम आ जाता है, उससे आप हाय हेलो करते हैं पर वो मुंह फुलाए रहता है, आपसे बात नहीं करता। आप जब नीचे बैठ जाए उसके लेवल पर आ गए तब तो मुस्कुरा देता है, स्माइल फेंकता है, वो स्माइल फेंकता है, फिर आपसे हैंड शेकिंग करता है, मिलाता है, क्योंकि आप उसके लेवल पर आ गए। तो इसलिए जो बुजुर्ग कांशीराम जी के चेले हैं उनको युवा के लेवल पर आने की आवश्यकता है, अपनी उच्चता श्रेष्ठता त्यागें और उच्चता श्रेष्ठता त्याग करके नौजवानों से बात करने के लेवल पर पहुंचे। और अब वो दिन चले, या फिर उसको गोद में उठा लीजिए, एडाप्ट कर लीजिए, जी तो आपके लेवल पर जब आ जाता है बच्चा तब वो मुस्कुराता है, फिर आपकी मूछ नोच लेता है, जी आपका चश्मा छीनने लगता है, आपसे बात करता है, मुस्कुराता है। लेवल में जनरेशन गैप हो गया है। हाँ, ये मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जनरेशन गैप है, ये हाँ खत्म होना हाँ ये चाहिए, जनरेशन गैप, इसने कहीं ना कहीं हमको लॉस दिया है। हाँ लॉस दिया है, जनरेशन गैप खत्म। तो इसलिए जनरेशन गैप खत्म करके नौजवान से बात करना पड़ेगा, बातचीत कर, क्योंकि एनर्जी उसके पास है, थॉट पूरी पुरानी पीढ़ी के पास में। और बहुत अच्छा था, हाँ मतलब हाँ मनोहर साहब का तो बहुत बड़ा एक लंबा हाँ संघर्ष रहा है, तो तो उसके लिए डेडिकेशन और डिवोशन की आवश्यकता है, समर्पण और त्याग और बलिदान की आवश्यकता है, तो वो हो जाए तो हम बहुत जल्द, जो पीछे बाबा साहब अम्बेडकर नहीं कर सके, मानवर कांशीराम साहब वो नहीं हो सका, वो उनके सपना था कि बहुजन हुक्मरान बने, इसलिए 25 अगस्त 2003 को इसी लखनऊ की धरती पर उन्होंने ऐलान किया कि 2004 में ही मैं भारत का प्रधानमंत्री होना।
हो सकता है, तो वो सपना शायद हम 2019 में ही कामयाब करने में सामर्थ्यवान हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। सर आपके बयान में एक रहता है कि तमन्ना सच्ची हो तो इरादे बन जाते हैं। हाँ, तो मानवर कांशीराम जी का ही है, बहुत ही वो जान डालते थे और हमारे को ऊर्जा मिलती थी, प्रेरणा मिलती थी। बार बार वो कहते थे कि तमन्ना सच्ची है तो रास्ते मिल जाते हैं, तमन्ना झूठी है तो बहाने मिल जाते हैं। दुनिया में जो लायक लोग होते हैं वो रास्ते खोज लेते हैं, दुनिया में जो नालायक होते हैं वो बहाने खोज लेते हैं। निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप खोज क्या रहे हैं, आप रास्ते खोज रहे हैं या बहाने खोज रहे हैं। आपने अगर रास्ते खोजने की ठान ली है तो रास्ते आपको मिलते जाए, अगर आप बहाने खोजने में उलझ गए हैं तो भी सुंदर से सुंदर बहाने आपको मिलते जाएंगे। तो इसलिए आवश्यकता है कि रास्ते खोजे जाएं, तो ये रास्ते हमें मिलते जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि ये युवा बहुजन ने एक रास्ता दिखाया।